हेलो दोस्तों, लूसेंट कंप्यूटर जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे 100 लूसेंट कंप्यूटर जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग 8 से 10 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आने की इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसी तरह की आप डेली वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ और लिख सकते हैं सीडी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को ही ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर जो डिवाइस है वह प्रोग्राम और डेटा के बीच में अंतर समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क एक डीवीडी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है मुख्य मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रेकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है, जिसमें ट्रेक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है डिस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैम एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी, ये सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर में काम करते हो तो डाटा को जो सिक्योर करती है उसे हम रैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित रहता है फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी का मतलब होता है डिजिटल, वी का मतलब होता है वीडियो, डी का मतलब होता है डिस्क। तो इस प्रकार से डिजिटल वीडियो डिस्क होती है डीवीडी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में सामान्य गणित परफॉर्मेंस की जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ALU बोले तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा की जाती है गणित परफॉर्म CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर के मुख्य पटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीसी का पूरा नाम है, पी का मतलब होता है पर्सनल, सी का मतलब होता है कंप्यूटर। तो इस प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस स्थान को पोर्ट कहा जाता है जिसमें एक्सेसरीज सिस्टम से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, वी का मतलब होता है बिजनेस, एम का मतलब होता है मशीन। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल विजनलेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। MIDI जो पोर्ट होता है वह जोड़ता है संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मदरबोर्ड नियंत्रित करता है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में संप्रेषण का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है डिस्क को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या थिन प्लेट वाले बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लॉट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिट के अंदर गणना की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का क्या रहता है जो मदरबोर्ड को CPU को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस लगी होती है जो कि मदरबोर्ड को CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज का यूज करके किया गया था पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन जी केमी ने किया था बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 में हुआ था बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे फ्लो चार्ट कहा जाता है जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोरटान एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक कार्यों के लिए काफ़ी उपयोगी है कंप्यूटर भाषा कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल भाषा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल हो जाएगा उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट है
जावा भाषा के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन भाषा सारे कंप्यूटर के अंदर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावा जो लैंग्वेज है वह प्रयुक्त होती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज होती है उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड लेवल लैंग्वेज जो है वह है एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार का जो गलत परिणाम होता है उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या करती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड का जो निर्माण होता है वह कार्य करती है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा स्टोर व गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं डाटा को स्टोर करने और गणनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो टेराबाइट है वह सबसे बड़ा है, उसके बाद में एक नंबर पे टेराबाइट है, दो नंबर पे गीगाबाइट है, तीन नंबर पे मेगाबाइट है और चार नंबर पे किलोबाइट है, तो एग्ज़ाम में इसी सीक्वेंस में करना है दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किसकी तुलना में लघु रूप है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट की तुलना में छोटा होता है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट होते हैं, विकल्प नहीं आएगा यहाँ पे, बिट आएगा, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिट कहते हैं सबसे छोटी इकाई को कंप्यूटर मेमोरी की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अंक होते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में, जो कि है 0 और 1, ये 2 नंबर का यूज किया जाता है बाइनरी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे कोडिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके तहत अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट के अंदर मापी जाती है किसी भी शब्द की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार के सर्किट का नाम है लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन
किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर का जो उपयोग है वो आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार का जो परिणाम होता है उसे हम बग कहते हैं, जो कि गलत परिणाम प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटा को सूचना में बदलने का कार्य होता है सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिबगिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा त्रुटियां ढूंढी जाती है सॉफ्टवेयर कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का पूरा नाम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, D का मतलब होता है डिस्क, O का मतलब होता है ऑपरेटिंग, S का मतलब होता है सिस्टम। तो DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विषम शब्द है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस एक विषम शब्द है, इसके अलावा MS, डॉक्स, यूनिक्स और विंडो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रकार है, एक्सेस यहाँ पे इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में हुआ था यूनिक्स का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असेंबली है यूनिक्स की मुख्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है कंप्यूटर में काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, जो कि बाजार में बिकते हैं कंप्यूटर के उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केन थॉमसन ने बताई थी यूनिक्स की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असेंबलर करता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, इसे हम इंटरफेस करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर संबंध बनाने वाली तकनीक है। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है जो कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता के साथ एक कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइम शेयरिंग के द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ एक कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम है ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है टेली सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDA का तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, CAD की फुल फॉर्म CAD, तो C4 बोले तो कंप्यूटर, A4 बोले तो एडेड, D का मतलब डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A&B, मतलब पेज मेकर और MS Word, दो जो सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग किया जाता है रिज्यूमे, जो कि आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अपनी जो डिटेल है और जो अपनी स्पेसिफिकेशन है वो उसमें मेंशन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Word किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS Word। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम प्रोग्राम कोड कहते हैं जो कि मानव के द्वारा पठनीय वर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो इंटरप्रिंटर होता है वह एक बार में केवल एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम रीबूटिंग कहते हैं, जब किसी चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POST का पूरा नाम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, P का मतलब होता है पावर, O का मतलब होता है ऑन, S का मतलब होता है सेल्फ, T का मतलब होता है टेस्ट। तो इस प्रकार से पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार के प्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसर कहा जाता है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल का यूज करते हैं यूजर्स अक्सर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बस जो कंपोनेंट है उसमें एक ही केबल का यूज किया जाता है कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम का
एक सेट है, तो इस प्रकार के सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इस प्रकार के सेट को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेटवर्क ट्रोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्यक्ष संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के जो नोड होते हैं उसे मेश कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका लघु रूप है LAN? LAN की बात हो रही है, LAN किसका लघु रूप है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। L का मतलब होता है लोकल, A का मतलब होता है एरिया, N का मतलब होता है नेटवर्क, तो LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सर्वर जो कंप्यूटर है वह टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के टेक्स्ट को हाइपरलिंक कहा जाता है, जब किसी टेक्स्ट पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सब्जेक्ट की लाइन होती है उसमें संदेश की विषय वस्तु को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसोलिडेट ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पैम कहते हैं, जो कि अनवांटेड या अनसोलिडेट ईमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था इंटरनेट पर अपना वेबसाइट, जो कि एक भारतीय राजनीति पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो राज्य है उसने सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप, L का मतलब होता है लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब VSNL और IETF और इंटरनिक, इन तीनों के द्वारा नहीं चलाया जाता है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम गेटवे कहते हैं, जो कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का उपयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज करती है HTTP का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HTTP जो होती है वेबसाइट होती है वह WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, इसे हम होम पेज कहते हैं, जो कि सबसे पहले जो स्क्रीन पर जो पेज खुलता है किसी भी वेबसाइट के, तो उसे होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर मदद करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो संगठन से संबंधित है ORG शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .com डोमेन का संबंध है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमर्शियल बोले तो व्यापारिक संस्थान से संबंधित है .com, और अगर .edu लिखा जाए तो ये एजुकेशन बोले तो शैक्षिक संस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी भारत में इंटरनेट की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, URL कहलाता है वेबसाइट का एड्रेस। तो दोस्तों, आज का ये लूसेंट कंप्यूटर GK का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, जो कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू दोस्तों।